एवरीवन, आज से हमारा करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट हो रहा है। करंट अफेयर्स का सेशन जो है, इसमें हमें जैसे कि पता ही है कि करंट अफेयर्स कम से कम हमें उस ईयर का, करंट ईयर का ज़रूर मालूम होना चाहिए। मतलब इस साल जो भी इवेंट हो रहे हैं उन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये करंट अफेयर्स आपका UDC, LDC हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। इवन सब इंस्पेक्टर का जो प्री स्क्रीनिंग है उसमें भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। तो बहुत जगह पे ये काम आने वाला है। अब मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने शॉर्टलिस्ट किया कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि जनवरी का सेक्शन अभी लेके आया हूँ, जनवरी 2021 में कौन से इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, उसको हम देखेंगे। अरुणाचल का करंट अफेयर्स मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसका अरुणाचल का होगा सिर्फ, यहाँ पे इंडिया का है, रेस्ट ऑफ द इंडिया का है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जनवरी का मिलेगा, इसी तरीके से फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही काम का सेशन होने वाला है। तो सब लोग बिल्कुल ध्यान से इस सेशन को देखिए, और कोई भी आपका रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर कोई यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक्स या अगर कुछ बाद में पता चलता है तो वो हम पिन कमेंट में ज़रूर डाल देते हैं। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इंडियन आर्मी हैज़ इंक्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी प्रोस्यूड 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स फॉर सर्विलियंस एंड पेट्रोलिंग इन पोंगोंग सो लेक इन लद्दाख। यहाँ पे है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मजदाक शिप बिल्डर लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज़ कि पेट्रोल बोट, पेट्रोलिंग करने के लिए जो बोट होता है फास्ट, मतलब जल्दी जल्दी, वहाँ पे स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है उसकी। पोंगोंग लेक कहाँ है, लद्दाख में है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, लद्दाख में है। अब ये लद्दाख में, जैसे कि लद्दाख और तिब्बत बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ बीच में है कहीं पे, बीच में है, मतलब कि आप कह सकते हो कि ईस्टर्न लद्दाख और वेस्टर्न तिब्बत के पास पोंगोंग लेक है। अब क्योंकि ये एरिया थोड़ा बॉर्डर वाला एरिया है तो चाइनीज़ इन्वेशन का चांसेस रहता है, इसीलिए यहाँ पे पेट्रोलिंग बोट्स की ज़रूरत है। अब ये जो प्रोड्यूस कर रही है वो देखो, यहाँ जितना भी है ये सारा का सारा शिप बिल्डिंग्स से रिलेटेड है, सब शिप बनाते हैं, सब बोट्स बनाते हैं, बोट शिप्स सब, मतलब कि वाटर बॉडीज पे जो भी चलने वाला चीज़ है उन सबको ही बनाते हैं। लेकिन ये जो पेट्रोल है, पेट्रोलिंग बोट है, वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बना रही है। ऑब्वियसली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ होगी, गोवा में है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, यहाँ तो नाम से ही है, कोचिन में है, कोचिन केरला। मजगांव, ये मुंबई में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और गार्डन रिसर्च, ये है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर क्या है आपका, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। देखिए पहले तो सिर्फ हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्ट, जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था तो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होता था। तो अब जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो दोनों के लिए कॉमन है, मतलब कि आपका जम्मू एंड कश्मीर अब तो एक यूनियन टेरिटरी बन गया, एंड लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया अलग। तो इन दोनों के लिए कॉमन हाई कोर्ट है, और उस कॉमन हाई कोर्ट का जो जज, चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है पंकज मित्तल। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और भी
तीन हाई कोर्ट के जज चेंज हुए हैं जनवरी में, उनको भी ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थ्री ये है, बजाज ऑटो इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अबव ₹1,00,000 crore एंड दस बिकम मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी ग्लोबली, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ बजाज ऑटो। तो यहाँ पे बजाज ऑटो को जनवरी में सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन का उपाधि मिला है। यहाँ पे पूछ रहा है, अब देखो इससे आपको ये भी पता है कि बजाज ऑटो है दुनिया का सबसे ज़्यादा मार्केट टू व्हीलर कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, 1,00,000 crore से अबव 1,00,000 crore है। तो यहाँ ही कुछ आंसर आपको मिल जा रहे हैं, ये क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हुए हैं, मतलब कि सबसे पहले तो कौन सा ऑटो है, कौन सा कंपनी है जो दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर कंपनी है, तो बजाज ऑटो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ दिया कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका पुणे है। तो यहाँ देखिए आप, पुणे हेडक्वार्टर है बजाज ऑटो, सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फोर है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो यहाँ पे सीधा है राजन वर्मा, रविंद्र दोगरे, वेंकटरामा राजा और सिंह चौहान एंड संजय कपूर। तो यहाँ से कौन आपका आंसर है, देखो तो पीआर वेंकटरामा राजा ये और संजय कपूर, इन दोनों के बीच में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, 33 वोट मिला इनको, 31 वोट मिला इनको और ये जीत गए प्रेसिडेंशियल पोस्ट ऑफ इंडियन चेस फेडरेशन, इंडियन चेस पे। तो संजय कपूर इज़ द आंसर। ठीक, तो इन्होंने हराया किसको था, वेंकटरामा राजा को हराया था। चलिए, और उसके बाद रविंद्र डोगरे और सिंह चौहान, ये दोनों ये जो नाम है ये एक्चुअली सेक्रेटरी पोस्ट के लिए था, सेक्रेटरी पोस्ट के लिए इन दोनों के बीच में हुआ था। तो सिंह चौहान जो है ये सेक्रेटरी बने, भारत सिंह चौहान है एक्चुअली पूरा नाम इनका, यहाँ पे मिस्टेक दिया हुआ है। ठीक है, भारत सिंह चौहान इनका पूरा नाम है, इन्होंने रविंद्र डोगरे को हराया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव है, हु अमंग द फॉलोइंग टुक द चार्ज ऑफ डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डेप्यूटी चीफ। तो चीफ सबसे पहले तो चीफ कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, नरवणे, पूरा नाम जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये जो है ये आपका प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी है, आर्मी स्टाफ, प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जो गया है, वो पूछा गया है डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। तो डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बन रहे हैं वो है शांतनु दयाल, ये आपका डेप्यूटी चीफ है। ठीक है, बीरेंद्र सिंह धनौ ये एयर चीफ मार्शल थे, पहले थे एयर चीफ मार्शल, अभी नहीं है प्रेजेंट। करमबीर सिंह एडमिरल करणबीर सिंह ये इंडियन नेवी के हैं, इंडियन नेवी के चीफ हैं, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ इंडियन नेवी। उसके बाद शांतनु दयाल आपके हो गए क्या, जो डेप्यूटी चीफ ऑफ। रामदास कटारी ये भी ये तो बहुत पुराने हैं, 1958-50s के आर्मी ऑफिसर थे। ठीक है, तो बिपिन रावत आपको पता ही है, जनरल बिपिन रावत क्या है, ये आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, डिफेंस
स्टाफ, ठीक है। तो यहाँ आंसर जो है शांतनु दयाल, शांतनु दयाल इज द आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री इज डेवलपिंग द वर्ल्ड फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सेटेलाइट टू कॉम्बैट द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डेब्रिज। क्योंकि स्पेस में क्या हो रहा है कि बहुत सारा कचरा जमा हो जा रहा है, तो उसके उसको सॉल्व करने के लिए वुड बेस, क्योंकि वुड बेस जो है आपका स्पेस डेब्रिज को कम करेगा। कम मतलब कि वो कचरा नहीं होगा, वो अपना डिकम्पोज हो जाएगा, और इसी वजह से तो उसको कम करने के लिए कौन सा कंट्री है जिसने सैटेलाइट बनाया है, बनाया नहीं है अभी डेवलप कर रहा है, डेवलप कर रहा है, बना रहे हैं मतलब बना रहे हैं। अब ये बन रहा है तो पांच कंट्री है, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया, जापान। इसमें से कौन सा कंट्री है? जापान है। जापान है जिसका क्योटो, क्योटो यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। ये क्लाइमेट चेंज पे भी इनका बहुत बड़ा रोल था पहले, अभी भी कर रहे हैं उस पर। तो क्लाइमेट चेंज पे ये देखते रहते हैं कि हाँ किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से इनका योगदान है। तो क्योटो यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने एक सुमीटोमो फैक्ट्री के साथ, फॉरेस्ट्री कंपनी है, उसके साथ मिलकर ये डील किया है कि वो लोग एक वुडन बेस्ड सैटेलाइट बनाएंगे। तो जापान इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM डिफेंस सिस्टम वॉज टेस्टेड बाई इंडिया रिसेंटली। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई द DRDO इन कोलेब्रेशन विथ विच कंट्री। किस कंट्री के साथ कोलेब्रेशन करके बनाया गया है? सीरिया, इसराइल, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट और ईरान। तो यहाँ पे है इसराइल। इसराइल के ध्यान देना है कि इंडिया का DRDO, इंडिया का जो DRDO है और इसराइल का IAI, इसराइल फुल फॉर्म है इसराइल, इसको इसराइल भी बोलते हैं, इसराइल एरो स्पेस इंडस्ट्री, ठीक है। IAI इसराइल का IAI और इंडिया का DRDO ये मिलके इसको डेवलप किया था, जिसको कहते हैं हम द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट फॉर्म में MRSAM डिफेंस सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर इसराइल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो इसका आंसर है अरूप कुमार गोस्वामी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पहले सिक्किम के चीफ जस्टिस थे, सिक्किम से इनका ट्रांसफ़र हो के मतलब अपॉइंटमेंट फिर कहाँ गया, अरूप कुमार गोस्वामी के पास आया। अरूप कुमार गोस्वामी कहाँ है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो अरूप कुमार गोस्वामी इसका आंसर है, डायरेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। इसके बाद तो जस्टिस हीमा कोहली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ, यहाँ भी सीधा क्वेश्चन है, तेलंगाना। तेलंगाना का है ये, पहले दिल्ली में जज थी, दिल्ली हाई कोर्ट में जज थी, और इनको फिर दिल्ली हाई कोर्ट से अपॉइंटमेंट मिल गया, कहाँ? तेलंगाना हाई कोर्ट में, वो भी चीफ जस्टिस का। तो पहला वोमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट इज़ हीमा कोहली। अनदर, फिर दूसरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अरुणाचल जी के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारा हाई कोर्ट भी गुवाहाटी हाई कोर्ट ही है, हमारा हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट है, बेंच ईटानगर बेंच है,
बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ईटानगर बेंच और नाहरलगन बेंच में। ईटानगर बेंच है और नाहरलगन उसका लोकेशन है, सो डोंट कंफ्यूज विद दैट। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट है शांतनु धुलिया इसका आंसर है। शांतनु धुलिया जो है ये पहले यूके उत्तराखंड, ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम ने उत्तराखंड के हाई कोर्ट में जज थे, वहाँ से ये गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं। तो इसी तरीके से ये हाई कोर्ट का एक सिक्किम का भी बचा हुआ है, उस वो भी मिलेगा हमें आगे। तो एनवी देखो एक और चीज़ है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी करंट अपॉइंटमेंट तो नहीं है लेकिन करंट अफेयर्स में ही रहता है ये भी, कौन है अभी क्या है। तो एन वी रमना ये जो है आपके चीफ जस्टिस है, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसके साथ यहाँ पे ध्यान जरूर देना है, तो जितने भी चेंजेज हुए हैं वो तो ध्यान देना ही देना है, प्लस आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस डैस वॉज स्वॉर्न एज इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट, पी एन भगवती, वाई वी चंद्रचूड़, मिर्जा हमीदुल्ला बेग, रघुनंदन स्वरूप पाठक, जितेंद्र कुमार महेश्वरी। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है, जितेंद्र कुमार महेश्वरी जो कि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस थे और ट्रांसफ़र होके हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम का जज बने, तो ये जनवरी में हुआ है। उसके बाद डैस हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, ये है, इसमें है फिलिप बर्टन, अलेक्जेंडर एलिस, आर्किबाल्ड एडवर्ड, मालकॉम मैकडोनल्ड और जॉन फ्रीमैन। तो ये हैं आपके अलेक्जेंडर एलिस, ये जनवरी में अपॉइंट हुए थे। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीजे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो यहाँ पे भी चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है वो रघुवेंद्र सिंह चौहान है, ये रघुवेंद्र सिंह चौहान इसका आंसर है। तो देख लो जितना भी चीफ जस्टिस चेंज हुआ है उन सब का नाम को थोड़ा सा ध्यान दे देना होगा आप लोगों को, बाकी सब चीज़ तो ठीक ही है। चलो आगे देखते हैं फिर क्या है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च द सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप विच रिलेशन टू करप्शन, तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर ने लॉन्च किया था सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है किस लिए, टू चेक द करप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिषेक यादव वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो यहाँ पे अभिषेक यादव जो है फुटबॉल प्लेयर है, स्ट्राइकर थे, एज ए स्ट्राइकर खेलते थे, तो ये आपका फुटबॉल फेडरेशन का हो गया, या फुटबॉल फेडरेशन हो गया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी है अभिषेक यादव। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, डैश टेक्स ओवर द जेफ अमेजॉन जेफ बेंजो टू बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, इसमें इलॉन मस्क है जो टेस्ला के मालिक है, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, दूसरा स्पेस एक्स जो कि सैटेलाइट बनाती है। तो ये इनका मालिक जो है जिनका नाम है इलॉन मस्क, उन्होंने जेफ बेंजो जो कि अमेजॉन का मालिक है, अमेजॉन उनका मालिक है, उनको मतलब हराया है, रिचेस्ट बन गया है, अब वर्ल्ड का रिचेस्ट बन गया है अब इलॉन मस्क, इससे पहले जेफ बेंजो थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, प्रवासी भारतीय दिवस और NRI डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी
इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत बार अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट ही है ये भी। तो इसका आंसर है 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और NRI डे मनाया जाता है, NR नॉन रेसिडेंशियल इंडियन डे। इसका आंसर 9 जनवरी। और ध्यान देना है 10 जनवरी हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को है। तो 9 जनवरी को NRI डे, 10 जनवरी को हिंदी दिवस, 10 जनवरी को आपको सॉरी 12 जनवरी को आपको नेशनल यूथ डे, जो कि किनका बर्थडे है, स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पे हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल यूथ डे मनाते हैं, जो कि 12 जनवरी को होता है। विवेकानंद का जन्म ये बनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है 1984 से 1985 फर्स्ट टाइम मनाया गया, ये ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, विच ऑफ द कंट्रीज फोकस कंट्री ऑफ 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये सबसे पहले कहाँ पे मनाया जा रहा है, गोवा में। ठीक है, गोवा में इंटरनेशनल 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया मनाया जा रहा है, यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस इवेंट में सबसे इम्पॉर्टेंस जो कंट्री फोकस दिया गया है उसमें बांग्लादेश का फोर फिल्म्स यहाँ दिखाने के बाद गई थी। तो इस बार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फोकस किया गया बांग्लादेश को, किस में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। आगे देखते हैं, हु हैज़ बीन चूजन एज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ BCCI फॉर ICC बोर्ड मीटिंग। सबसे पहला जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, इनको मिला है ये पद। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे ICC बोर्ड मीटिंग में इंडिया को एज ए BCCI रिप्रेजेंटेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स। तो इसका आंसर है एस वाई कुरैसी, जो है वो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो इनका ये लिखा हुआ बुक था। उसके बाद फिर है, विथ विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिड नीति आयोग कोलेबरेट टू रिवैम्प द वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो ये है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के साथ नीति आयोग ने क्या किया है, कॉम्बिनेशन किया। पहले ये देख लेते हैं। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है नीति। ये पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन के जगह पे उसको हटा के नीति आयोग बनाया गया। ये काम बेसिकली दोनों का एक ही है। उसके बाद इनका नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने मिलकर क्या बनाया है, वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म बनाया। मतलब फ्लिपकार्ट क्या करेगा, जो वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप लेना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, उनको हेल्प करेगा बिजनेस करने में। मतलब इंफॉर्मेशन देगा कि किस तरीके से बिज़नेस किया जाता है, क्या क्या, जैसे कि मान लो कोई किसी वोमेन को GST के बारे में वो नहीं पता है, तो GST के बारे में बताना, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देना, ये नीति आयोग ये फ्लिपकार्ट का काम होगा। और ये कोलैबोरेशन किसके साथ है, नीति आयोग और फ्लिपकार्ट। तो बेसिकली सारा इन्फॉर्मेशन नीति आयोग देगी, लेकिन किसके थ्रू देगी, फ्लिपकार्ट के थ्रू देगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉस्पिटल वॉन कायाकल्प अवार्ड
फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर इन दिस टाइम इसका नाम है एम्स, एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स भटिंडा। तो इसका आंसर है एम्स भुवनेश्वर। कायाकल्प अवार्ड में 2 करोड़ रुपए मिलते हैं और ये कायाकल्प अवार्ड होता है क्लीननेस के को प्रमोट करने के लिए, हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करना और सस्टेनेबल प्रैक्टिस करना, ये सारा चीज़ जो है इसके लिए मिलता है कायाकल्प अवार्ड, और वो मिला 3rd कंसेक्यूटिव टाइम और एम्स भुवनेश्वर को मिला है। ये भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में, ओडिशा में। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन इज़ द आर्मी, इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड, ऑब्जर्व 14 जनवरी, 15 जनवरी, 13 जनवरी, 12 जनवरी, 11 जनवरी। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, तो इसका आंसर है 15। ये क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे जनरल, जो जनरल हमारे फर्स्ट जनरल, इंडियन जनरल थे के एम करियप्पा ने इंडियन आर्मी का चार्ज अपने हाथ में संभाला था, इसी दिन से इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है एवरी जनवरी 15th को। तो यहाँ पे जो आंसर है ये फीजियन है, फीजी कंट्री से बिलोंग करती हैं नजमत समीम खान, और ये जो है पहले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फीजी भी थे यूनाइटेड नेशन में, और डिप्लोमेट भी है, फॉर्मर डिप्लोमेट है फीजी के। तो इनको ह्यूमन राइट कमीशन, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन काउंसिल का, सॉरी ह्यूमन राइट काउंसिल 2021 का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है बुक के बारे में, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कॉमनवेल्थ क्रिकेट, इसका आंसर है रामचंद्र गुहा। ये बुक है, बड़े राइटर हैं तो इनको आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ इंडिया फर्स्ट कोविड वैक्सीन रिसिपिएंट। तो यहाँ पे आंसर इसका है हु इज़ द इंडियाज फर्स्ट कोविड वैक्सीन रिसिपिएंट का आंसर है मनीष कुमार। ये कोविड-19 का दौर चल रहा है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है, अदरवाइज़ पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन कोविड-19 का फेज चल रहा है तो शायद पूछ भी सकता है। उसके बाद है, तो यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव फ्लैग्ड ऑफ 8 ट्रेन्स टू कनेक्टिंग द स्टैचू ऑफ यूनिटी। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया था, जिसको 3,000 करोड़ दे के बनाया गया है, ये आपको पता है कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात में है। तो उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए क्या किया है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिया गया है 8 शहर से। तो 8 ट्रेन दे दिया गया है, 8 ट्रेन दे दिया गया है, 8 शहर को कनेक्ट करेगा। तो जिससे क्या होगा कि यहाँ पे आने में सुविधा रहेगा, तो टूरिस्ट आएंगे, पैसे आएंगे, टूरिस्ट प्लेस तो बनाया ही है, तो इस वजह से 8 ट्रेन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेट द वन स्कूल वन IAS स्कीम विच हैज़ बीन रोल्ड आउट अंडर द वेहिक यूरोडिट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इसका आंसर है, इसका आंसर है केरला, केरला के गवर्नर ने ये चीज़ स्टार्ट किया, वन स्कूल वन IAS। इसमें क्या होगा कि हर एक स्कूल से स्कॉलरशिप मिलेगा, जिसमें कुछ टीम्स होंगे जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर होंगे और IPS ऑफिसर होंगे, वो लोग इनको स्कॉलरशिप में, मतलब इनको पढ़ाएंगे, जो स्टूडेंट्स स्कूल से सेलेक्ट होंगे उनको एज ए स्कॉलरशिप वो लोग पढ़ाएंगे और IAS के लिए तैयार करेंगे। तो केरला के गवर्नर ने ये स्कीम लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 30, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्लान टू एंटर इनटू द डील विद द कंट्री टू प्रोड्यूस 21 MiG-29 एंड सुखोई 12 Sukhoi-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। आपका इसका आंसर है यहाँ फ्रांस होगा, लेकिन एक्चुअली आंसर क्या है, रशिया, क्योंकि ज़्यादातर एयरक्राफ्ट जो है वो हम लोग किससे खरीद रहे हैं, फ्रांस से खरीद रहे हैं, तो ज़्यादातर को लगता है कि फ्रांस होगा आंसर, लेकिन रशिया है, तो ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 भी, ये भी सेम क्वेश्चन ही आ गया, तो इसका आंसर तो रशिया है, ये देख लिया हमने।
द फर्स्ट एवर लेबर मूवमेंट म्यूजियम इज सेट टू एस्टेब्लिश इन विच सिटी ऑफ इंडिया? लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे, कौन से सिटी पे है, ये देख लो। ये सब नया नया चीज़ है जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट एवर होता है ना, उसको क्वेश्चन में पूछते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर है केरला, केरला में है, तो केरला का अलफूजा, अलफूजा जो है यहाँ पे फर्स्ट एवर लेबर मूवमेंट म्यूजियम इस्टेब्लिश हो रहा है, जनवरी में हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल कलरव एट द नगी नकटी बर्ड सेंचुरी? तो इसका आंसर है बिहार, नीतीश कुमार ने ये फर्स्ट एवर, ये भी फर्स्ट एवर है, देख लो, कलरव बर्ड फेस्टिवल, फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल कहाँ, बिहार में, कहाँ पे, कलरव में, सॉरी बर्ड फेस्टिवल का नाम क्या है, कलरव, कहाँ पे, तो नग नकटी बर्ड सेंचुरी। तो ये हो गया नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट है, जमुई डिस्ट्रिक्ट नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में कलरव फेस्टिवल, जो कि बिहार। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। फ्लाइट लेफ्टिनेंट डैश विल बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड? ये भी फर्स्ट वुमेन है, इनका भी ध्यान देना पड़ेगा। तो पारुल भारद्वाज, खुशबू गुप्ता, अवनी चतुर्वेदी, भावना कनत एंड मोहना सिंह, तो ये सारे के सारे वुमेन फाइटर पायलट्स ही हैं। तो इसका आंसर है भावना कांत, ये परेड में हिस्सा लेने वाली पहली फीमेल फाइटर पायलट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, 35। तो इसके ऑथर जो है वमन सुबा प्रभु जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा के बारे में ये बुक था, मनोहर पारिकर, जो कि डिफेंस मिनिस्टर भी थे, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी थे, उसके बाद कैंसर हो गया था उनको, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर भी रहे थे लास्ट, तो एज अ चीफ मिनिस्टर ही उनकी डेथ हुई थी। तो उनके बारे में ये चीज़ है, वमन सुबा प्रभु ने लिखा बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। तो यहाँ देखते हैं हमारे इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज जो है डिजर्ट नाइट 21 इम्पॉर्टेंट है, बायलेटरल एक्सरसाइज था, ये किस चीज़ का था, एयरफोर्स का। यहाँ पे रफाले की भी टेस्टिंग हुई थी, रफाले आपको पता है कि रफाल कहाँ से लिया गया है, फ्रांस, तो इंडियन आर्मी ने रफाल से भी प्रैक्टिस करी थी, यहाँ पे एक्सरसाइज जॉइंट मिलिट्री एयरफोर्स एक्सरसाइज थी। आगे देखते हैं, जो बाइडन बिकम द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडन जो कि प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो अभी कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? तो ये 46th प्रेसिडेंट है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपको पता है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया था जो कि रिपब्लिक पार्टी के थे, उनको हराकर ये 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट बने जनवरी में। चलिए आगे देखते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन इंडियन रेलवे द डैश हैज़ बीन रीनेम्ड एज नेताजी एक्सप्रेस? तो इसका आंसर है हावड़ा कालका मेल वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेल है, इसका नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस रखा गया। नेताजी एक्सप्रेस क्यों रखा गया है वो भी है कारण, नेताजी एक्सप्रेस ही क्यों रखा गया, तो इनका बर्थडे था 23 जनवरी को, नेताजी का बर्थडे होता है, और नेताजी का बर्थडे को पराक्रम दिवस भी मनाना शुरू किया गया है इसी बार से, पराक्रम दिवस, तो देखो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पराक्रम दिवस इसी साल से सेलिब्रेट करेगी इंडिया एवरी 23 जनवरी। क्यों? क्योंकि नेताजी का बर्थ डेट है, तो इस दिन पराक्रम दिवस होगा, और उसी के एक तरीके से सम्मान करने के लिए एक ट्रेन का नाम भी चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस रखा गया। वेयर इज़ द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज?
वारेव ब्रिज रिसेंटली इनॉग्रेटेड, तो यहाँ पे है ये आपका नॉर्थ ईस्ट का न्यूज़ है, तो इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट का न्यूज़ है, मेघालय में ये ब्रिज है, तो आपका ईस्ट खासी हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स में, हिल्स में ये ब्रिज बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट जो है ईस्ट खासी हिल्स में बनाया गया है, मेघालय में पड़ता है, और ये लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज है, आर्च ब्रिज है, जिसका नाम है वारेव ब्रिज। आगे देखते हैं क्वेश्चन। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सक्सेसफुली टेस्ट फायर स्मार्ट एंटी एयर फायर्ड वेपन फ्रॉम हॉकआई एयरक्राफ्ट, हु डेवलप दिस वेपन, कौन इस वेपन को डेवलप किया है, तो इसका आंसर है DRDO। तो ये क्या है, एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट जो है आपको पता है कि क्या करता है, एक छोटा सा मिसाइल टाइप का जो वो कैरी करता है, तो उस तरीके स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है ये, और हॉकाई एयरक्राफ्ट इसको कैरी करता है, और इस वेपन को किसने बनाया, DRDO ने बनाया, तो DRDO इसका आंसर है। देखो नाम याद रखना, एंटी एयरफील्ड वेपन, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इंडिया ऑब्जर्व नेशनल वोटर्स डे कौन से डेट को, ये सब डेट है ना ये इम्पोर्टेंट रहता है, तो डेट्स भी याद रखना चाहिए। यह आ गया आपका 25 जनवरी, जिसको नेशनल वोटर्स डे माना बनाया जाता है। आगे देखते हैं नेशनल टूरिज्म डे किसको किस दिन मनाया गया मनाया जाता है, तो ये दोनों ही डेट जो है सेम डेट है, 25 जनवरी, 25 जनवरी को ही दोनों डेट है, तो दोनों को याद रखना है, नेशनल टूरिज्म डे और नेशनल वोटर्स डे, ये दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43। मार्टर्स डे और शहीद दिवस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 30 जनवरी, ठीक है 30 जनवरी किसका है, महात्मा गांधी का डेथ एनिवर्सरी है ये, इसी दिन नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को शूट किया था, तो इसरो चेयरमैन के सिवन इज लाइकली टू इनोग्रेट द श्री शक्ति सत ग्राउंड स्टेशन एट श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन कोयम्बतूर, कोयम्बतूर है ये, ठीक है, इनोग्रेट किया श्री शक्ति सत, ये क्या है एक्चुअली श्री शक्ति सत, ये एक्चुअली नैनो सैटेलाइट है, नैनो सैटेलाइट जिसका वजन 460 ग्राम्स है, और ये डेवलप किया गया है कहाँ के इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कि कोयम्बतूर के हैं, उन्होंने डेवलप किया है, तो उसी का इनॉग्रेशन KC1 करेंगे। KC1 आपको पता है इसरो के चेयरमैन है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिसाइल्स और सॉरी एरोस्पेस इंडिया में, एरोस्पेस के फील्ड में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू रिप्लेस इनकमिंग वाइस लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी। देखो इससे पहले जो था आपको एक क्वेश्चन मिला था, वो था आपका डेप्टी चीफ, ये आपका वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, दोनों अलग अलग चीज़ें, तो अब ये कौन है ये देखना है, ठीक है, तो इसका आंसर है चांदी प्रसाद मोहंती, ये वाइस चीफ है। तो इस तरीके से हमने लगभग सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनवरी का है वो हमने देख लिया है। अगर कोई चीज़ आप बताना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे एप्लीकेशंस का, हमारे कोर्सेज का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, ये सारा लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि फरवरी का आपका करंट अफेयर्स रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।